अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, यानी सेड टू टाइम्स इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको हम बोलेंगे वाई प्राइम और वाई सेकंड प्राइम। तो ये वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, वाई इज इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका हम पहले फाइंड करेंगे वाई प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपको पावर रूल जो कि 3.1 में आप पढ़ चुके हैं, तो माइनस ये वाला माइनस, और पावर रूल में होता ये है जब भी हम किसी की डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो पावर पहले आ जाएगी 2 और एक्स की पावर में से कम कर देंगे 2 - 1, तो ये एक्स की पावर आ जाएगी 1 यानी 2x, और प्लस 3 के डेरीवेटिव हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 3.1 जरूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपसे सॉल्व नहीं होंगे जी। तो इसके बाद ये हमने वाई प्राइम निकाल लिया तो ये -2x आ गया। इसी तरह अभी हम वाई सेकंड प्राइम निकालेंगे यानी इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो -2 तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -2। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। तो यहाँ पर भी हम वाई प्राइम फाइंड करते हैं यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पर वही पावर रूल, 2 पहले आ गया और एक्स की पावर में से 2 में से एक निकाला तो 2x, और प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 और 8 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो 0 नहीं लिखते साथ में, अच्छा नहीं लगता। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट है, साथ में एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 2 × 1, और प्लस 1 का डेरिवेटिव अगेन 0, तो ये आ गया हमारे पास 2, इसका आ गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, एस इक्वल टू 5t³ - 3t⁵। तो इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे एस प्राइम, तो ये आ जाएगा 5 और पावर पहले 3 और टी की पावर में से कम करेंगे तो t² रह जाएगा, इसी तरह -3 और पावर पहले 5 और टी की पावर रह जाएगा 5 - 1 = 4 जी, तो ये बन जाएगा 5 = 15t² - 15 t⁴। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर वही 15 और पावर पहले पावर में से एक कम तो 2t रह जाएगा, इस तरह -15 और पावर पहले 4 और t की पावर में से एक कम करेंगे तो 3 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30t - 60t³। साथ ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये है w इज इक्वल टू 3z⁻⁷ - 7z⁻³ + 21z². तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे पहले फाइंड, w प्राइम इज इक्वल टू 3 और पावर पहले 7z⁻⁶ रह गई -7 और यहाँ पर पावर पहले और z⁻² रह गई, इसी तरह +21 यहाँ पर भी पावर पहले और z⁻¹ रह गई, तो ये आ जाएगा 21z⁻⁶ - 21z² + ये 21√2 ये होगा 42z। ये होगी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इन क्वेश्चन में हम थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ भी, जितने भी हमें क्वेश्चन पूछ जाएं हम उतने ही डेरिवेटिव इसके फाइंड कर सकते हैं। तो 21 और फिर इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे फार्मूला, तो ये आ जाएगा 6 पहले z⁵ -21 और इसी तरह ये 2 पहले और z⁻²-1 इस तरह +42 और z की डेरिवेटिव होगी, डेरिवेशन होगा 1, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 6 × 6 = 12 × 6 z⁵ - 42 z + 42। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस तरह भी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x³ / 3 - x, तो इसकी भी हम डेरिवेटिव लेंगे डबल, तो पहले सिंगल y प्राइम, तो ये आ जाएगा 4/3, ये तो कांस्टेंट है, और साथ में पावर पहले 3 पहले और x की स्क्वायर पावर में से कम करेंगे इस तरह माइनस, और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये देखिए 3 से कट रहा है, तो ये हमारे पास बन रहा है 4x² - 1, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है y का। अभी हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर 4 और देखें पावर पहले 2, एक्स पावर में से एक कम कर दिया तो 1, तो इसी तरह माइनस और 1 का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको बताना चाहिए हमेशा 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होगा 0, तो वाई डबल प्राइम, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8x, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया, तो ये है वाई इज इक्वल टू x³ + x²/2 + x/4, तो इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वाई प्राइम, तो
वन ओवर थ्री, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया। अगर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा थ्री पहले, एक्स की पावर थ्री माइनस वन टू, और इस तरह प्लस, यहाँ पर भी वन और टू कॉमन, और इसका टू पहले, और एक्स की पावर टू माइनस वन वन, इस तरह प्लस, यहाँ पर वन ओवर फोर कॉमन, और एक्स का डेरिवेटिव होगा वन। इसको थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व कर लें तो ये थे थ्री थ्री से कट रहा है तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, इस तरह टू टू से कट रहा है प्लस एक्स, और प्लस वन ओवर फोर। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन था, अभी हम इसका सेकंड डेरिवेशन लेते हैं। तो ये आ जाएगा इसकी पावर पहले टू एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने किए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इसी तरह मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में आप देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।